इसराइल अपने वादे को पूरा करने में जुटा है। लेबनान और गाजा से हिजबुल्ला का सफाया करके रहेगा। पिछले 24 घंटे में इसराइली डिफेंस फोर्सेस ITF ने हमास हिजबुल्ला के 230 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है, उन्हें बर्बाद किया है। इसराइल हिजबुल्ला आतंकियों को उनके बिलों से निकाल कर मार रहा है। दक्षिणी लेबनान में इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के कई लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। इन्हीं लॉन्च पैड्स से रॉकेट और ड्रोन दाग कर हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल के निवासियों की जान लेता था। इसके अलावा कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें से कई आतंकियों को मारा गया है। कई हिजबुल्ला ठिकाने पर बम गिराकर खत्म कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी इसराइल सेना के कई हिजबुल्ला लड़ाकों को मारा गया है। उनके अड्डों से खतरनाक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल है। कम से कम 100 से ज्यादा हिजबुल्ला अड्डे खत्म किए गए हैं, उनकी इमारतें गिराई गई हैं, हथियार जब्त किए गए हैं। लेबनान के अलावा गाजा पट्टी में भी इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। वहां भी हमास और हिजबुल्ला आतंकवादियों के ठिकाने को एयर स्ट्राइक से या फिर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए खत्म किया जा रहा है। गाजा पट्टी में आतंकवादियों के ठिकानों से दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स, हथियार जैसे AK-47 राइफल मिले हैं, जिन्हें या तो बर्बाद कर दिया गया है या फिर जब्त कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए लेबनान में 185 हिजबुल्ला टारगेट्स को निशाना बनाया है। गाजा में 45 हमास टारगेट्स खत्म किए गए हैं। इन हवाई हमलों में आतंकियों के अड्डों, हथियार डिपो, सैन्य ढांचों और हथियार स्टोरेज फैसिलिटी को खत्म किया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो अत्यधिक अलर्ट मोड पर है, लगातार लेबनान और गाजा की स्थिति पर जांच कर रहे हैं। खबर मिलते ही आतंकियों के ठिकाने को खत्म कर दिया जाएगा।